अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की हमारी रेसिपी है माश की दाल के दही बड़े, जो कि बनाना बहुत आसान है और हम इसके साथ दो चटनियाँ भी बनाएंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ हम ले रहे हैं माश की दाल 300 ग्राम, जो कि मैंने ओवरनाइट सॉक कर दी थी। 1 इंच अदरक जिसको मैंने टुकड़ों में कर दिया, और 2 हरी मिर्च। यहाँ भी हम माश की दाल को ग्राइंड करेंगे मिर्ची और अदरक डालकर। इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब इस बैटर में हम लोग 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। वन फोर्थ टीस्पून बेकिंग पाउडर और 2 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। बैटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, अब इसमें बड़े डाल देंगे। उसे फ्राई करेंगे ऑन अ मीडियम फ्लेम। जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं उनको तब तक फ्राई करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं बड़े, हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे हम इमली और खजूर की चटनी बनाएंगे। यहाँ ले रही हूँ मैं इमली, जो कि मैंने बॉईल करके उसके सीड रिमूव कर लिए थे। यहाँ ले रही हूँ 4 खजूरें, जो कि पानी में भिगो दी हैं, और 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 6 से 7 मिंट लीव। यहाँ भी हम इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे और चटनी को तैयार कर लेंगे। यहाँ हम तैयार कर रहे हैं दूसरी चटनी। यहाँ हम ले रहे हैं 15 से 20 पुदीने के पत्ते, 3 हरी मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 लहसुन का जवा और 1/2 लेमन। अब हम इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर। यहाँ पे हम ले रहे हैं 600 ग्राम योगर्ट, जिसमें हम 2 टेबलस्पून शुगर डाल रहे हैं एंड 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 ग्लास पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर दही ज़्यादा थिक है तो उसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे। बड़ों को नीम गर्म पानी में डाल के कुछ देर के लिए डिप करेंगे। ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि जो बड़ों में एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। कुछ सेकेंड के बाद हम लोग इनको हाथ की मदद से इसका पानी निकाल देंगे। और यहाँ पे पहले हम इसमें योगर्ट डालेंगे और फिर इमली और खजूर की चटनी। लास्टली पुदीने की चटनी डाल के इसे सर्व करेंगे। I hope you like this video. Do try this out and don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and follow me on Instagram and Facebook.